आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, हम आज रात देखेंगे डेक चार्जिंग, जिसको हम डेकिंग भी बोलते हैं, डेक ब्लास्टिंग भी बोलते हैं। मतलब तीनों बात एक ही है। ये ओपन कास्ट माइन में जो हम ब्लास्टिंग करते हैं उसका एक तरीका है, लेकिन कहां इसका इस्तेमाल होगा ये जानना पहले जरूरी है। तो डेक चार्जिंग या डेक ब्लास्टिंग या डेकिंग तो हम दो मिनट में बता देंगे। हम आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम एक जगह ब्लास्टिंग अफसर थे, बहुत बड़ा माइन था। वहां होता यह था कि होल को जब हम ब्लास्टिंग करते थे तो होल के बॉटम में तो बहुत बढ़िया माल टूट जाता, एकदम पाउडरी माल रहता था, लेकिन ऊपर साइड में जो होता था, ऊपर में एक मीटर जो बड़का बड़का बोल्डर आ जाता था, तो जो कोई भी देखता था तो ऊपर का ना पहले देख रहा, बोले ब्लास्टिंग खराब है। तो क्या होगा, इंप्रेशन आपका गड़बड़ा गया, इतना मेहनत करके बेकार हो गया, ब्लास्टिंग आपने किया। अब बोला कि जबकि एक मीटर माल उठने के बाद आपका एकदम पाउडर माल मिलता था, एकदम पतला छोटा माल था, लेकिन ऊपर में एक मीटर को हटाने के बाद, कभी कभी उसी माइन में हम देखे एक जगह क्या था कि ऊपर भी ठीक टूट रहा था, नीचे भी ठीक टूट रहा था, बीच में थोड़ा गड़बड़ टूट रहा था। तो सोचने के लिए मजबूर हुए कि कुछ किया जाए। और ऐसा मुझे ही एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऐसा हजारों लाखों लोगों को हुआ होगा और हमारे पूर्वजों को हुआ होगा, तभी ना ये कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। आपका यह मेरा कॉन्सेप्ट नहीं ना है, हमारे पूर्वजों का ना कॉन्सेप्ट है। तो होता यह है कि रॉक स्ट्राटा कई बार एक जैसा नहीं रहता है। यहां एक आप लीजिए सेक्शन हम बनाए, कई बार रॉक्स मिलता कैसे, कई हॉट रॉक्स मिलेगा होल के ही अंदर, जमीन के नीचे जो हम होल कर रहे हैं, क्या होगा, कई हॉट रॉक होगा, फिर सॉफ्ट रॉक होगा, फिर हॉट रॉक, अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक यदि मिलता है, तब वहां पर हम एक बार बारूद भर के और फिर स्टेमिंग करके यदि उसको ब्लास्ट करते हैं तो सॉफ्ट रॉक जो रहेगा वो तो बहुत बढ़िया टूट जाएगा, लेकिन जहां जहां पर कुछ हार्ड रॉक का बैंड आ रहा है वहां पर बढ़िया से नहीं टूट पाएगा रॉक, रॉक ब्रेकेज बढ़िया नहीं होगा, तो आपका प्लास्टिक बढ़िया नहीं होगा। तो डेक चार्जिंग या डेकिंग या डेक ब्लास्टिंग, देखिए हम तीन नाम लिखे, डेक चार्जिंग, डेकिंग या डेक ब्लास्टिंग, इसका यूटिलिटी कब है, इसका एप्लीकेशन कब है, जब हमारा जो स्ट्राटा है, जिस स्ट्राटा में हम ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, वो स्ट्राटा का जो प्रॉपर्टी है वो कैसा है, कि वो हॉट रॉक सॉफ्ट रॉक का अल्टरनेट क्रम में है, अब वहां पर हमको बढ़िया ब्लास्टिंग करना है, तब वहां पर हम डेक चार्जिंग या डेकिंग या डेक ब्लास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पहली बात ये पता कैसे होगा कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, किस जगह में हार्ड, वही काम कर रहे हैं, उसी माइन में आप काम कर रहे हैं, आप रोज ब्लास्टिंग कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहां पर ऊपर में नहीं टूटा, मतलब ऊपर में ज्यादा हार्ड रॉक है, या नीचे में नहीं टूटा, या बीच में टूट रहा है, तो वो आपका जो एक्सपीरियंस है उस आधार पर आप क्या करते हैं, बारूद डालने का प्रयास करते हैं कि जहां हार्ड रॉक होगा वहां बारूद डालेंगे, जहां सॉफ्ट रॉक होगा वहां पर हम स्टेमिंग करेंगे। तो जैसे देखिए हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट है, फिर हार्ड है, इस टाइप का कहीं कहीं पर मिलता है, सब जगह मिलेगा ऐसा नहीं है, कहीं कहीं मिलता है, कोई कोई माइन में इस टाइप की सिचुएशन आती है, तब वहां पर हम डेक चार्जिंग या डेक ब्लास्टिंग करते हैं। हम करते क्या है, जहां हार्ड रॉक होगा उस जगह में बारूद भरेंगे, जहां सॉफ्ट रॉक होगा वहां पर स्टेमिंग कर देंगे। अब डेकिंग कितने बार करेंगे, जितने बार आपका हॉट एंड सॉफ्ट रॉक का अल्टरनेट है उतनी बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, जनरली लोग दो बार करते हैं, एक नीचे में और एक ऊपर में कर देते हैं, ठीक है, जनरली कितने बार करते हैं लोग, दो बार, लेकिन बहुत बड़ा होल है आपका, जैसे एनसीएल में आप देखिएगा तो वहां पे 24 मीटर 48 मीटर के होल मारते हैं, गहराई बोल रहा हूं, और जहां पर 15 मीटर का होल है, मतलब 16 मीटर रॉड रहता है, उसे 14-15 मीटर इफेक्टिव होल हमको मिलता है, तो वहां पर कितनी बार करेंगे, हम दो ही बार करेंगे, एक नीचे में डाल देंगे और एक
उसके ऊपर में डाल देंगे। तो हम करते क्या, देखिए एक होल बनाया मैंने, ये क्या है, ब्लास्ट होल है, ये सबसे बॉटम मोस्ट होल के बॉटम मोस्ट में हमने एक्सप्रेस टू डाल दिया, ठीक है डाल दिया। इसके बाद क्या किया हमने, स्टेमिंग कर दिया, बारूद के बाद हमेशा स्टेमिंग करेंगे, ये क्या लगे स्टेमिंग किया, फिर देखा कि हार्ड रॉक है तो फिर एक्सप्रेस टू डाला, फिर स्टेमिंग किया, फिर हार्ड रॉक था तो एक्सप्रेस टू डाला, और लास्ट में स्टेमिंग कर दी। आखिर में तो स्टेमिंग करना ही करना होगा हमको, तभी ना ब्लास्ट होगा। तो इस क्रम में करते लेकिन ये जो बॉटम मोस्ट में हम एक्सप्लोसिव चार्ज डाले ये कितना रहता है और ये बाकी में कितना रहेगा, और नहीं यदि आप ऊपर में ज्यादा डाल दिए तो सबका सब बारूद जलता हुआ बाहर आएगा, जैसे अंडरग्राउंड में जिसको ब्लोन आउट बोलते हैं वैसे ही हो जाएगा, फ्लाई रॉक भी हो जाएगा। इसके यहाँ पे आपको सफिशियंट स्टेमिंग लास्ट स्टेमिंग कॉलम जो टॉप मोस्ट स्टेमिंग कॉलम है उसमें रखना होगा। लेकिन यहाँ छोटा छोटा स्टेमिंग कॉलम दिखाया, यहाँ पर छोटा दिखाया, यहाँ छोटा, लेकिन यहाँ पे स्टेमिंग कॉलम क्या दिखाया, ज्यादा दिखाया है, ठीक है। तो ये जो बॉटम मोस्ट आपका होल है यहां पर कितना एक्सप्लोसिव चार्ज डालेंगे, हम यहां लिखे बॉटम एक्सप्लोसिव चार्ज, मतलब इस होल के बॉटम में जो डालेंगे वो हाफ टू टू थर्ड ऑफ टोटल एक्सप्लोसिव क्वांटिटी यूज्ड इन दिस होल। ये होल में मान लो मैं 100 kg टोटल बारूद डालूंगा, ये तीनों जगह मिला के 1, 2 और 3, तीन जगह एक्सप्लोसिव लिखा, इन तीन जगह मिला के हम 100 kg डालना चाह रहे हैं, हमारा हिसाब में 100 kg आता है। तो 100 kg का यहां पर आधा या टू थर्ड मतलब 75% मोटा मोटी, तो आधा या ज्यादा से ज्यादा, आधा से कम नहीं डालेंगे और ज्यादा से ज्यादा टू थर्ड ही यहां पर डालेंगे, और बचा जो आपका आधा या 1/3 उसको ये और ये एक्सप्लोसिव कॉलम में डालेंगे। ये कभी भी ख्याल रखना, बॉटम में हमेशा ज्यादा डालते हैं क्योंकि इनिशिएशन कहां से होगा, बॉटम से होगा, ठीक है, इनिशिएशन जब भी होगा बॉटम से होगा, इतना ही डेप्थ चार्जिंग में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब करते कहां पर है ये मालूम होना चाहिए। जहां पर ऐसे स्टार्टर में हम ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं जहां पे हार्ड और सॉफ्ट रॉक का अल्टरनेट ऑर्डर में मिलता है, और जहां जहां हार्ड रॉक होगा वहां वहां एक्सप्लोसिव डालेंगे होल के अंदर, और जहां जहां सॉफ्ट रॉक होगा वहां पर हम स्टेमिंग कर देंगे। कोई दिक्कत है, स्टेमिंग कहां करना है, जहां सॉफ्ट रॉक है, एक्सप्लोसिव कहां करना है, जहां हार्ड रॉक है। लेकिन आपके बॉटम में, आपके बॉटम में आपको ज्यादा, आपके बॉटम मतलब होल के बॉटम में सबसे ज्यादा बारूद रखना है, हाफ टू टू थर्ड, मिनिमम हाफ तो रखना ही रखना है और मैक्सिमम टू थर्ड, इसके बीच में आपको जो क्वांटिटी वेरी करना है वो आपके वहां के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर निर्भर करेगा। यह हुआ डेप्थ चार्जिंग।